हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों। और अब हमारा आ गया है गाड़ी, ये देखिए, और हम जा रहे हैं घर को। और आपको घर पे मिलेंगे हम आज के व्लॉग में। तो देखिए, बिल्कुल घर सूना हो गया क्योंकि मम्मी भी चली गई हैं अपने मायके। उनके मायके में फंक्शन था, उनका मायका इधर ही है, तो वो चली गई थी शाम को ही, उनके भाई लेने आए थे। तो ये देखिए, आज मैंने ऐसे डाला हुआ है प्लाज़ो एंड कुर्ता, ये चिकन वाला कंफर्टेबल। और बस निकल रहे हैं हम, और पूरे ब्लॉग में बने रही है। चप्पल जूता रख लिए ना सब भैया का भी पैक, तो आपका कुछ छूटा तो नहीं है? आपने जोड़ लिया? जोड़ लो ना। जोड़ के आया मैं तो पहले ही, तब तक नहीं जोड़ा। अले उधर भी जाने, दर्शन करने के जाने। आप मुझे दाम क्या जाए? चलो चलते हैं हम अपने देश मुंबई। जैसे मुंबई से आते हैं ना तो बोलते हैं देश जा रहे हैं, देश। अभी हम अपने देश चलते हैं। शाम का टाइम है तो गुवाहाटी हो रही है, सामने ही कृष्ण भगवान का वो है मंदिर। नहीं फिर बोल जी ये कौन से बाबू जी? पीर बाबू जी, मतलब भगवान जी। आ रही हूँ, चलो। सो ट्रेन है हमारी 10 बजे की, हम निकल लिए हैं 6:30 बजे। बीच में पीर बाबा जी की गुठी इंतजार थी, वहाँ दर्शन कर रहे थे। और मान्यता है कुछ, पता नहीं किसकी थी, आई डोंट नो, उतना मुझे कंफर्म नहीं पता। ये है पूनम का चांद, क्योंकि आज पूनम और इस ब्लॉग के अनुसार पूनम भी, तो पूरा फुल आपको मून दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और बस अभी हम फटाफट से पहुंचने वाले हैं। बीच में एक रास्ते में कोई फेमस रबड़ी वाली की दुकान थी स्टेशन के, आई थिंक 5 मिनट पहले ही पड़ती है वहाँ पे, तो वहाँ हमने रबड़ी खाई। ये देखिए, इन लोगों को इतनी तेज़ भूख लगी कि इन लोग वेटिंग रूम में ही जो सब्ज़ी पूरी था वो सब इधर ही खाना चालू हो गए हैं। इन लोगों ने डिनर कर लिया था, मैंने ही नहीं किया था। और मैंने बोल भी दिया था कि मैं ट्रेन में नहीं करूँगी, आप लोग फिनिश कर लो। ये देखिए, मॉर्निंग का, नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है। ये मेरे कान्हा जी मेरे साथ ही सोए थे, और ये सुशील जी हैं जो 7 बजे जग गए थे, क्योंकि अगस्त की मॉर्निंग में उठने की आदत है। क्या खा रहा है? क्या खा रहे? इडली। ये सही मिली, ये सीट सही मिली आपको? इतनी जल्दी क्यों जग गई मैं? नहीं नहीं, बस वॉशरूम आई थी इसे जग गई मैं, 7 ही बजे अभी।
9 बजे जगती बढ़िया रहता, अब थोड़ी ना नींद आती। बलूच भरूच मुंबई भी कितने घंटे दूर है? 1:30 बजे। चटनी खाता आप कितना है? अभी नहीं खाते चटनी। सो ये अगस्त्य का डांस चल रहा है, नाचो नाचो भी दिन भर इसी पे डांस करता है यार। जब से ये गाना आया तब से इतनी बार डांस करता है ये, मतलब दिन में 100 बार तो कर ही लेता है। मेरे घर पे भी टीवी में यही चलता है, यूट्यूब पे इतनी बार किसी ने नहीं देखा होगा जितना मेरे बच्चे ने देख लिया। और यहाँ पे कुछ गुजराती फैमिली भी बैठी हुई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था इन लोगों को सुन के। हालाँकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन मज़ा आ रहा था देखने में। लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, मतलब हर चीज़ में एक होता है ना हैप्पीनेस ढूंढ लेते हैं जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं अहमदाबाद रह चुकी हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढते हैं। और ये देखिए मैं ऊपर बैठी हुई हूँ और सुबह से चाय नहीं मिली है, सर इतना पकड़ गया है। और जो नीचे गुजराती फैमिली ना वो भी डायबिटिक हैं तो वो भी चाय नहीं पी रही बेचारी, वो भी पूछ रही कोई बिना चीनी वाली चाय मिल जाए। लेकिन हाँ एक कॉफ़ी मिल गई थी स्पेशली लेके आया था कम चीनी की। सुशील जी क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्या ये मैं सपना देख रही हूँ? आपने पी नहीं है। 1 कॉफ़ी मिली तो मेरे जान में जाना है, क्योंकि मुझे अभी सुबह सर नहीं पकड़ा था ये। मैंने कॉफ़ी भी पता है कितने 11:30-12 बजे मिली है मुझे, क्योंकि अभी आदत हो गई बिना चाय के सुबह रहने की। बट स्टिल दोपहर तक तो चाय चाहिए यार, तो चाय तो नहीं मिली लेकिन हाँ कॉफ़ी मिल गई जो कम चीनी की, वो स्पेशली लेके आया था मेरे लिए और नीचे आंटी बैठी थी उनके लिए। तो ये देखिए अभी जाने का टाइम आ गया है, हम पहुँचने वाले हैं। हालाँकि 1:30 बजे ट्रेन पहुँच गई थी पर हम घर पहुँचे 5:00 बजे, क्योंकि बहुत टाइम लग गया ना, दूर है यहाँ पर मुंबई में घर, तो इसीलिए। ओके गाइस, हम घर आ गए थे 5 बजे, 5 बजे आए, नहाया वहाया, 6 बज गए। उसके बाद चाय नाश्ता किया हमने, 6:30 बनाया था चाय और बंद मक्खन खाया था। अभी बज रहे हैं 8, क्योंकि बहुत थक गए थे, रेस्ट कर रहे थे आराम से। आई मैं लड्डू गोपाल को भी नहलाया, अगस्त भी नहाया, ये भी नहाया, मैं भी नहाया, लेटे हुए तो थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे। अभी खाना मंगाया है बाहर से, क्योंकि आज तो हिम्मत ही नहीं है, तो वही अभी 8 बज रहा है तो खाना खाने जा रही हूँ मैं। क्या मंगाया है? दाल खिचड़ी मंगाई है और एक थाली मंगाई है। इसमें देखा अगस्त को पहले दाल खिचड़ी अच्छी होती है यार। सो खिचड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है तो खाना भी अच्छा ही होगा। दाल खिचड़ी अच्छी है। और ये है हमारी सब्जी, ये टिफिन में क्यों निकाल रहा हो? ठीक है ना, गर्म रहेगी। ये है राइस रोटी सब्जी, ये थाली है एक्चुअली में। थाली एक्चुअली क्या है? एक थाली है और एक दाल खिचड़ी है ना। रोटी में एक्स्ट्रा मंगा लिया, रोटी एक ही थाली मंगाई और रोटी एक्स्ट्रा मंगा ली। मैं तो वैसे भी चिरैया की तरह खाती हूँ। अच्छा चुप, इसमें डाल दो थोड़ा, इधर इधर बहुत तीखे हैं। मेरी फेवरेट पनीर की सब्जी नहीं, चना फना मेरे हिसाब से। चना फना गिरा लो बस, आप गिरा लो। ये कौन सी सब्जी? ये भी आलू की है? नहीं वो है यार, क्या है? मूंग, आलू मूंग, आलू भरी की सब्जी। भरी क्या होता है? मूंग होते हैं, मूंग लग रहा है देखो। इन लोगों ने दो दो सब्जी की, आलू की सब्जी, आलू सुखा लो, ये वो ग्रेवी आलू का है, वो मूंग है।
और जो भी अच्छा है, लेकिन तीखा बहुत है, ये कैसे खाएगा लड़का? खा लेगा दाल दो 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 दाल से खिला दो, ये उड़ी खिला भी राइस बना। हाँ सूखी सब्जी में तीनों तीन किलो ना थोड़ी सी चाहिए अभी मैं खिला था बस बस मिर्ची ला आपको पानी पिला दूँ पत्ते हैं तो हो गया लड़के का रेडी। और कान्हा जी को मैंने बंद मक्खन खिलाया था अभी शाम को, अभी उनके लिए मैं दो रात में कुछ बनाऊंगी, मीठा बना दूंगी, खीर वगैरह। ठीक है मैं खाने जा रही हूँ दाल खिचड़ी, हालांकि सब्जी रोटी है बट मैंने दाल खिचड़ी बनाई मंगाई थी अपने लिए। ये है रोटी वगैरह और छाछ, माई फेवरेट छाछ है, छाछ छाछ छाछ। सो मैं दो तीन गिलास छाछ पीऊँगी और दाल खिचड़ी खाऊंगी। ये मेरी छाछ दाल खिचड़ी, ये पराठा है। चलो मैं अपना खाना खा लूँ, फिर जब आप खाओगे तो थोड़ा टेस्ट कर लूँगी पराठा वगैरह। ओके गाइस, सो व्लॉग कैसा लगा आज का ज़रूर कमेंट करना, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ चैनल को अगर नहीं किया है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो ऑल्सो एंड प्रेस दी बेल आइकन जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।